दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज गौतम अडानी को कौन नहीं जानता होगा, फीच चाहे उनके लोन्स को लेकर और साहित्यकार एंडर शास्त्री उनके सरकार से संबंध को लेकर जो भी कहें, लेकिन दो वर्षों में अर्श से फर्श तक की ऊंचाई उन्होंने हासिल किया है। वीडियो को पूरा देखेंगे अगर तो आज बहुत कुछ समझ पाएंगे। मिशन विजय के इस सीरीज में आज आपसे खुल कर बहुत कुछ शेयर करने का मन कर रहा है। दोस्त, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कंपनियों के फ्रॉड से करोड़ों लोग परेशान हैं। इनमें मुख्य रूप से गरीब एंड मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और हजारों कंपनियों से धोखा खाने के बाद, लाखों का नुकसान करने के बाद भी बेहतर से बेहतर कंपनियों की तलाश जारी रहती है और इसी का फायदा बेईमान गलत लोग उठाते रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि एक एक कंपनी अरबों अरबों रुपये लेकर अपना वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर बंद कर दे रही है और सरकार की नजर तक नहीं पड़ रही है इन पे। मैं सिर्फ वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा दोस्त, मैं अभी तक के सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं। गरीब लोग उन फंसे हुए नुकसान हुए पैसों के लिए तड़प रहे हैं, कितने मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन कंपनियों के लिए कोई खास गाइडलाइन या आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। दोस्त, अगर अभी तक के लूटे गए पैसों का एक जगह हिसाब कर दिया जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्थ से कहीं अधिक पैसा हो जाएगा। अगर बात करें कि सरकार को क्या ये बात पता नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, इस वीडियो में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। इन कंपनियों के खिलाफ जो जंग छेड़ा है मैंने, उसमें आप लोग का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आप लोग मिशन विजय के इन वीडियोज को खूब शेयर भी कर रहे हैं। आवाज को सोशल मीडिया पे बुलंद करने के लिए शेयर जरूर करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। अगर सरकार की नजर की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो अगर गौतम अडानी इस फील्ड में कदम रखते हैं तो सरकार की न सिर्फ नजर ही पड़ेगी बल्कि कई सारे नियम भी बदलेंगे, कई नए नियम एवं कानून लागू भी होंगे। क्योंकि कई क्षेत्रों में ऐसा देखा भी गया है, जिन क्षेत्रों में अभी तक अडानी का कोई ताल्लुक नहीं उसमें भी अडानी ने धमाल मचा रखी है। हाल ही में एयरपोर्ट एंड और कई बिजनेसेज में अडानी ग्रुप को उतारने के लिए नियम बदले गए हैं। मुझे पता है कि अगर अडानी ग्रुप फॉरेक्स ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट प्लान, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं तो भारत सरकार इन फील्ड्स के लिए बड़ा फैसला ले सकती हैं और बहुत सारी कंपनियों का जांच भी शुरू कर सकती हैं, जिससे हजारों कंपनियों को भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि नए मापदंड तय होंगे, नए नए कानून बनेंगे और अडानी ग्रुप का इस फील्ड पे एक छत्र राज हो सकेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सरकार तक अपनी आवाज उठाने से बेहतर है कि अडानी जी को रिक्वेस्ट किया जाए ताकि तमाम लोगों का भला हो सके और इन फ्रॉड कंपनियों की रफ्तार रुक सके। दोस्त, ये मैं तंज नहीं कस रहा, ये हकीकत है, कई उदाहरण है इसके। चाहे अडानी को एक रुपये प्रति मीटर जमीन देने की बात हो या 6 एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए नियम बदलने की बात हो, सरकार ने अडानी ग्रुप के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अगर अडानी के भले के लिए भी सरकार कदम उठाती है तो आम लोगों का भी काफी भला हो सकेगा। मुझे तो यही रास्ता काफी सरल नजर आ रहा है। खैर, अब अडानी ग्रुप के बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं। गौतम अडानी गुजरात के एक जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। कई सारे बिजनेसेज इनके नाम है, जैसे अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांस, अडानी व्हीलबार। लेकिन अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो सन 2020 में कुल $9 बिलियन इनकी नेटवर्थ थी। हाँ दोस्त, 2020 में कुल $9 बिलियन इनकी नेटवर्थ थी, जो कि आज के डेट में लगभग 100 से 130 बिलियन डॉलर है। एशिया के तो सबसे अमीर उद्योगपति ये हैं ही, साथ ही पूरे विश्व में टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं और ये भारत के लिए गौरव की बात है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा, इनके ऊपर लगभग 2000 बिलियन रुपयों का कर्ज भी है। इसके बावजूद भी जिन कंपनियों या कामों पर अडानी हाथ भी रख दे रहे हैं वो मिट्टी से सोना बन जा रहा है। स्क्रीन में आप इनके शेयर्स की रेट में वृद्धि को भी देख पा रहे होंगे। फीच भले ही ये कहे कि अगर अडानी लॉस में जाते हैं तो इंडिया की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अडानी के ऊपर लोगों का विश्वास उन्हें टॉप से नीचे नहीं गिरने देगा। आज जितने उनके कंपनियों के शेयर खरीदे जा चुके हैं हमारे और आपके द्वारा, अगर सिर्फ हम सब उसे सेल कर दें तो अडानी ग्रुप बैंकक्रप्ट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग सभी के दिमाग में बैठ चुका है कि सरकार का भरपूर सहयोग गौतम अडानी को मिल रहा है, फिर लॉस में जाएंगे और कर्ज देकर इन्हें ऊपर उठा दिया जाएगा। बहुत सारे साहित्यकार एवं इकोनॉमिस्ट इनके लोन के ऊपर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अगर मैं बताऊं तो शायद लोग मुझे सरकार विरोधी भी कह सकते हैं,
फिर भी मैं सच बोलने में नहीं डरता। आज नहीं फिर कभी स्पेशल इस पर चर्चा जरूर करेंगे। आज का हमारा मुद्दा कुछ अलग है। अडानी के बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन देने का मेरा यही मकसद था कि आप समझ सकें कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी कितनी तरह की बातें होती हैं, सजी से होती हैं। दो साल में भी कोई बटन से सीधा टॉप पे पहुंच सकता है। दोस्त मैं तो अब नहीं रुकने वाला और ना ही मिशन विजय रुकने वाला है। कंपनियों का सच तो आपके बीच लाऊंगा ही, लेकिन सरकार तक भी अपनी बात पहुंचा के रहूंगा। हमें पूरे भारत के सभी एजेंट्स एवं इन्वेस्टर का अभी तक का डूबा हुआ एक एक पैसा वापस चाहिए, खोया हुआ उनका सम्मान वापस चाहिए। एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट सेल्स में कार्य कर रहे लोगों को लोग अच्छी नजरों से देखें, हमें ये चाहिए। अच्छी कंपनियों के स्कैम वर्ड्स से संबोधित करने वालों के जुबान बंद होना चाहिए और मैं ऐसा करके ही दम लूंगा। आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियो का शेयर नहीं रुकना चाहिए, इसे भी अभी शेयर करें, एक एक आम इन्वेस्टर तक इसे पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने खून पसीने की कमाई को अपने बेहतर कल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये तो गरीब ही रह जाते हैं और कंपनियां अमीर बनके नाम बदल लेती हैं। हम जागरूक होंगे तभी सरकार भी सिर्फ अडानी ही नहीं हमारा भी सहयोग कर सकेगी। मिशन विजय टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, इसी सीरीज में आपकी आवाज जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।